अस्सी गंगा घाटी के अगौड़ा गांव में गणेश महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने अस्सी गंगा घाटी के अगौड़ा गांव पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, साथ ही सभी देशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डोडीताल क्षेत्र में पर्यटन विकास की काफी संभावना है, जिसे देखते हुए क्षेत्र में इको टूरिज्म की गतिविधियां संचालित की जाए। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को विकसित कर इसके जरिए 2,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 400 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन की शुरुआत करते हुए वनों के जरिए आम लोगों की आजीविका के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत प्रकृति का नजारा, डोडी ताल और तमाम यहाँ पर जिस तरह से धार्मिक और पर्यटक स्थल है, उसको देखते हुए यहाँ जो संभावनाएं हैं, हमने वन विभाग में निर्णय लिया है कि हम 2,00,000 लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार बनों के जो बनों का उपयोग करके रोजगार देने का काम करेंगे, जिसके तहत हम तमाम इको डेवलपमेंट कमेटीज बना रहे हैं स्थानीय नौजवानों की, जिसमें 90% पैसा स्थानीय जो लोग होंगे जिनके जो उसको ऑपरेट करेंगे, जो संचालन करेंगे उस पर्यटक स्थल का, उनको और उस पर्यटक स्थल को बरकरार रखने में खर्चा किया जाएगा और सरकार के राजस्व में मात्र 10% जाएगा। दूसरा, उसके लिए हमने तमाम डीएफओ से इसमें सूची लगाई है कि जो जो डेस्टिनेशन